dear students today we are going to start uh, a new topic about early childhood and that is assessment and evaluation so understanding assessment and evaluation in early childhood education is today is the topic of our discussion assessment is an ongoing process of observing and documenting a child's development whereas evaluation refers to the process of analyzing and interpreting the collected data to determine the child's progress. Uh, देखिए असेसमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है मतलब अब पहले दिन से ही जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो एक्टिविटीज भी वो कर रहा है आप मुसलसल उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बींगीचर आप ये देखते हैं कि बच्चा वक्त के साथ साथ कितनी प्रोग्रेस कर रहा है कौन सी चीज़ें सीख गया है कौन सी सीखने के मराहल में है कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कितनी फीडबैक की जरूरत है और कैसे उसकी लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है तो असेसमेंट थ्रू आउट चुके चलती है जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं यहाँ पे आप बच्चों की गलतियां दूर करते हैं लेकिन उनको कोई सर्जनश नहीं की जा सकती मतलब आप उनको जज नहीं कर सकते आप उनको उस तरह से मार्क नहीं करेंगे और ना उनके ऊपर आप कोई एक तरह से बता देंगे कि जी आपकी तो ये पोजीशन है ना लायक हो या लायक हो पहली बात तो यह है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इस तरह की बातें बच्चों को मायूस करने की की ही नहीं जाती वो इसलिए कि अभी तो बच्चा बढ़ रहा है तेज़ी के साथ और अभी तो उसके सीखने के मरल हैं और ये कि वो इस अभी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है उसकी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भी हो रही है सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है तो चूँकि प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुए तो इसलिए हमारी जजमेंट भी मुकम्मल असूली तौर पर नहीं होती हमें देखना है हाँ अलबत्त हम ये जरूर देखते हैं कि उसकी प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है अगर उसको कहीं पे मजीद फीडबैक की जरूरत है इनपुट की जरूरत है तो वो हमें देना है तो जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसको कहेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट अब इवेलुएशन जो है ये जिसको आप समेटिव असेसमेंट भी समटाइम कहते हैं इवेलुएशन जो है वो क्वालिटेटिव है पहली बात तो यह है कि इसमें सारी तरह के आस्पेक्ट जैसे बच्चे के मॉरल आस्पेक्ट भी हैं सोशल आस्पेक्ट भी हैं कॉग्निटिव आस्पेक्ट भी हैं ये सारे आस्पेक्ट शामिल होंगे लेकिन ये किसी एक स्टेज के आखिर में एक समेटिव असेसमेंट होगी जिसको आप हल्की पुल्की जजमेंट भी कह सकते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर आठ साल की उम्र तक तो बच्चों को फेल पास किया ही नहीं जाता सिर्फ ये देखा जाता है कि वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं जैसे जापान में सिर्फ मैनरिज़म सिखाया जाता है और फिल्पाइन में भी इसी तरह से बच्चों को शुरू की उम्र में आ, टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता ताकि ना कोई एंगजाइटी हो ना मुकाबले की फ़िज़ा हो बस ये कि बच्चे शौक से सीखें बहर हाल अगर हमें उनकी जजमेंट करना है तो जब पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या पूरा सेशन ख़त्म होता है तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि बच्चे कितनी तरक्की कर गए हैं और मजीद अब उनको किस स्टेज में हमें लेके जाना है सो असमेंट इवेलुएशन हेल्थ एजुकेटर्स आइडेंटिफाई चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो असल मकसद तो ये है ना ना कि बच्चे को जज किया जाए मकसद ये है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे में खूबियाँ क्या हैं और उसकी खामियाँ क्या हैं और खूबियों को कैसे और ज्यादा जिला बख्शी जा सकती है और जो खामियाँ हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है सो इन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड चेकलिस मोर कॉमनली छोटे बच्चे की प्रोग्रेस देखने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैंने अर्ज किया एक तरीका तो यह है कि उस्ताद मुसलसल उसको खुद वॉच करता रहे कितना काम हो गया है कहाँ पे आपको मदद की जरूरत है क्या आ गया है क्या नहीं आ गया रोज़मर्रा जिस तरह से बच्चे क्लास के अंदर काम करते हैं इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन अब ये चूंकि हम रोज हमें पता होता है कि बच्चे ने कितना काम किया तो उसे हमें डॉक्यूमेंट करने की भी ज़रूरत है कि आज बच्चे ने कौन से वर्ड सीख लिए हैं कौन से लेटर सीख लिए हैं कौन से फंक्शन सीख लिए हैं ताकि हमें उसका रिकॉर्ड या उसकी प्रोग्रेस जो है वो पता चलती रहे और वो लिखी जाती रहे और दूसरा ये कि अगर हमारे पास कोई चेक लिस्ट हो जैसे पहले से तयशुदा कोई इंडिकेटर्स हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा इस लेवल तक आ जाए तो हम ये देखते हैं कि आया ये पहले इंडिकेटर को पूरा कर है कि नहीं इसको राइटिंग फलाने डिजिट तक आ गई है कि नहीं इसको डिजिट नंबर्स आ गए हैं कौन से फंक्शंस कर सकता है क्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है क्या क्या चीजें ये कर सकता है सोशल स्टडीज की बात होगी तो ये किन मैप्स को ये समझ सकता है सो so, हम क्या करेंगे कि हम साथ साथ आ, उसकी सारी चीजों को वॉच करते चले जाएंगे और एक चेक लिस्ट में उसको उसके लेवल्स को हम जांचते जाएंगे कि किस लेवल पे वो आ गया है और मजीद किस लेवल तक हमें उसको लेके जाना है सो फैमिलीवॉलमेंट इज़ क्रिटिकल इन दसेसमेंट एंड एवेलुएशन प्रोसेस जैसे मैंने अर्ज किया कि वन टाइम एवेलुएशन छोटे बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है बिल्कुल भी मतलब ये कि अगर आप स्कूल में एक बच्चा आया और आपने उसका टेस्ट ले लिया और आपने कह दिया इतने नंबर हैं और मैंने कई इस को देखा है कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल ना लायक है ये तो कुछ नहीं पढ़ता इसको तो आता नहीं है शायद ये दुनिया के अंदर कोई अच्छा पेशा भी ना अपना सके ऐसी बातें छोटे बच्चों से नहीं कही जाती हाँ अलबत्त होना यह चाहिए कि उसकी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व किया जाए उनको भी बताया जाए कि उन बच्चे घर में किस तरह से सीखते हैं स्कूल में क्या सीखते हैं और दोनों मिल अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं कहाँ पे कमजोरियाँ हैं या वीकनेसेस हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं या उनकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जैसे एक बच्चा अच्छा वोकल है अच्छी बात कर सकता है तो घर में भी पेरेंट्स को उसको छोटी छोटी तकारीर या स्पीचेस या टॉक्स जो हैं वो उसको करवाने की ज़रूरत है तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि एक मजमुई या काम एफर्ट हो ऑन द पार्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द चाइल्ड सो असमेंट एंड एवेलुएशन आर यूज टू इनफॉर्म टीचिंग प्रैक्टिस नॉट टू लेबल और लिमिट अ चाइल्ड पोटेंशियल जैसे मैंने अर्ज किया बच्चे के ऊपर जजमेंट देने के लिए या उसके पोटेंशियल के बारे में कोई दावा करने के लिए असेसमेंट नहीं की जानी चाहिए बल्कि सिर्फ इसलिए कि क्या चल रहा है कहाँ उसको मजीद जाना है किन चीज़ों के लिए उसको जरूरत है फिर असेसमेंट एंड एंड आर ऑन गोइंग कंडक्टेड इन वेरियस सेटिंग्स तो एक ही दफा में कोई जजमेंट नहीं होनी है बल्कि हर स्टेज पे रीडिंग में राइटिंग में मॉरल बिहेवियर्स में सोशल बिहेवियर्स में और इसी तरह तमाम तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मुसलसल बच्चे को वॉच करना है एजुकेटर्स शुड यूज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस Work and with तो वो तरह तरह से उनको असेस करने की कोशिश करेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी शख्सियत के कौन से पहलू में अभी कमी है जिसे हमें दूर करना है तो असेसमेंट एंड एवेल शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड अलाइन विद अर्ली लर्निंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा एकदम बड़े स्टैंडर्ड्स के लिए हमें उनको असेस नहीं करना बल्कि ये देखना है कि वो जिस उम्र में हैं जिस मेंटल लेवल के हैं अभी उनको कितनी चीजों का पता होना चाहिए या किस तरह के बिहेवियर्स वो अटेन कर सकते हैं हमें उसके लिए कोशिश करना है